हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इलास्टिसिटी को। तो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉइजन्स रेशो के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइजन्स रेशो है क्या। तो देखा जाए कि बॉडी पर, ये एक सरफेस पर रखा है बॉडी, एंड इस पर इस तरह से एक फोर्स लगा है कैपिटल एफ। ठीक है, इसके कुछ डायमेंशंस गिवन है एल एंड एच। तो गाइस देख सकते हैं एच की वैल्यू, ये जो डायमेंशन है इसकी वैल्यू कम होगी या ज़्यादा? डेफिनेटली कम होने वाली है। ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और मैं देख सकता हूँ अगर बॉडी का वॉल्यूम सेम रहने वाला है तो अगर हाइट की वैल्यू कम होगी तो लेंथ की वैल्यू क्या होगी? ये जो एल गिवन है ये बढ़ने वाला है। तो पॉइजन्स रेशो जो डिफाइन किया जाता है दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एच अपॉन एच। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन में जो चेंजेस हो रहे हैं वो नीचे की ओर लिखे गए हैं और फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंजेस जो लिखे हैं वो ऊपर की ओर लिखे हुए हैं। तो ये जो है दिस इज पॉइजन्स रेशो। ओके बच्चों, अब चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज पॉइजन्स रेशो एंड हाउ टू यूज इट। तो गिवन है यहाँ पर एक सिलेंडर और सिलेंडर की सरफेस पर, ये जो सरफेस है यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक फोर्स एफ। ओके, नाउ इस सिलेंडर की लेंथ गिवन है एल नॉट एंड क्वेश्चन में गिवन है इसका पॉइजन्स रेशो जो है दैट इज ईटा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इसका चेंज इन वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा? ये क्या है? एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसका रेडियस इनिशियली हम कुछ लिख सकते हैं, लेट अस से आर नॉट। ठीक है, तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम लिखने की जरूरत है, व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम। तो क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, इस वीडियो को अभी पॉज करो, अपनी कॉपी पर ट्राई करो, मैं प्रोसीड करता हूँ सॉल्यूशन की ओर। और हाँ, एक और बात, कोई चीटिंग नहीं करेगा। तो बच्चों अभी हमें देखना है व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर लिखा जाए तो दिस इज अ सिलेंडर एंड दैट इज पाई आर स्क्वायर एल। ओके, अब देखते हैं दोनों तरफ अगर ln लिया जाए, ln ऑफ वी इज इक्वल्स टू ln ऑफ पाई प्लस टू ln ऑफ आर प्लस ln ऑफ एल। ये मैंने क्या कर लिया? दोनों तरफ ले लिया है ln। तो दोनों तरफ अगर ln ले लिया है तो यहाँ पर ln v, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल ln ऑफ a इंटू b इंटू c, तो दिस विल बी ln पाए ln ऑफ r स्क्वायर और r स्क्वायर का बाहर 2 बन जाएगा प्लस 2 ln l। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dv अपॉन v इज इक्वल टू 0 प्लस 2 टाइम्स dr अपॉन r प्लस dl अपॉन l। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे देखना है व्हाट इज़ द चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर इन दोनों की वैल्यूज़ पता लग जाएं तो वी कैन डेफिनेटली इजीली राइट व्हाट इज़ द चेंज इन वॉल्यूम। तो गाइस पॉइजन्स रेशो अगर लिखा जाए तो पॉइजन्स रेशो क्या लिखा जाएगा? वो होगा डी आर अपॉन आर माइनस अपॉन डी एल अपॉन एल। ये समझ में आया क्या किया? फोर्स के अलोंग जो है वो चेंजेस नीचे की ओर लिखे जाएंगे, डिनोमिनेटर में होंगे, और फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चेंजेस होंगे वो इसके ऊपर में होंगे, न्यूमरेटर में होने वाले हैं। तो यहां से लिखा जा सकता है डी आर अपॉन आर इज माइनस ऑफ ईटा टाइम्स डी एल अपॉन एल। और यहां यूज करते हैं इस चीज को, इस फॉर्मूले को, तो डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी आर दैट इज माइनस ईटा टाइम्स डी एल अपॉन एल प्लस डी एल अपॉन एल। तो बस अब क्या करने वाले हैं, डी एल अपॉन एल को कॉमन लिया, 1 माइनस 2 टाइम्स ईटा बनने वाला है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज डी वी अपॉन वी। ओके गाइस, तो हमारे पास ये बन चुका है। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम में चेंज, तो इसका मतलब डी एल बाय एल की वैल्यू चाहिए होगी और ये किस में लिखा जाता है? दिस इज स्ट्रेन। तो यहां लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स डी एल अपॉन एल। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं डी एल अपॉन एल इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। तो डी वी अपॉन वी यहां बन चुका है फोर्स ए ई
1 माइनस 2 ईटा। ओके, अब देखो यहां पर क्वेश्चन में वॉल्यूम जो लिखा है, वॉल्यूम लिख सकते हैं एरिया इनटू हाइट या लेंथ, एंड दैट इज ए इनटू एल नॉट। तो देखो यहां ए है, ए से ए कैंसिल आउट, तो डीवी फाइनली जो बना है, डीवी इज इक्वल्स टू एल नॉट, ऊपर गया तो एफ एल नॉट अपॉन ई 1 माइनस 2 टाइम्स ईटा, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम चेंज विच इज हैपनिंग ओवर हियर। अगला सवाल हम देखते हैं, यहां पर क्वेश्चन क्या है कि इन दो क्लैंप के बीच में 2L की 2L लेंथ की एक वायर इस तरह से जुड़ी हुई है, ठीक है, इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितना है, 2L है। नाउ इस वायर का डायमीटर, उसे हम लिखा है d, डायमीटर को यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन देने का तरीका है, यहां पर डायमीटर गिवन है d, एंड इस वायर का यंग्स मॉडुलस गिवन है e, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी आपके पास आधा है, अभी क्या कर दिया कि इस पॉइंट पर, ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द वायर, इसका मतलब इस वॉल से इस पॉइंट की दूरी दैट इज l, एंड दिस डिस्टेंस इज l एज वेल, और यहां पर हमने क्या कर दिया है, एक स्मॉल m मास का, मास इसका क्या है, छोटा है, तो छोटा सा मास हमने यहां पर लटका दिया है, हिंज कर दिया है, तो क्या होगा, ये वायर कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये वायर कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना है इस पॉइंट का, पॉइंट ओ जो है कितना नीचे आया है, लेट अस से दिस इज एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि इनिशियली इस तरह से वायर है, लेंथ 2L, डायमीटर d, एंड इसका यंग्स मॉडुलस है e। नाउ इसके मिड पॉइंट पर यानी कि इस वायर के मिड पॉइंट पर एक स्मॉल m मास का, जिसका कि मास छोटा है, मास की वैल्यू छोटी है, तो और उसे यहां पर क्लैम कर दिया गया है, और क्लैम करने के वजह से वायर आ चुके हैं नीचे, तो पॉइंट O का वर्टिकल डिसेंट हमें फाइंड करना है। ओके गाइस, क्वेश्चन समझ में आया, अब इस वीडियो को पॉज करो, थोड़ा मेहनत करनी होगी और जल्दी से अटेम्प्ट करके वापस आओ, मैं सॉल्यूशन की ओर प्रोसीड करता हूं। तो सबसे पहली बात यहां देखी जा सकती है कि मास की वैल्यू गिवन है कि ये क्या है, छोटी है, तो इसका मतलब यहां पर जो चेंजेस होने वाले हैं वो भी छोटे अज्यूम किए जा सकते हैं। तो लेट अस से दिस इज एंगल थीटा, तो अगर टैन थीटा की वैल्यू हम लिखना चाहते हैं तो इस ट्राइंगल में लिखी जा सकती हैं, दैट इज x अपॉन टोटल लेंथ, अगर 2l थी तो ये छोटी लेंथ यानी कि हाफ लेंथ दैट इज l, एंड गाइस देख सकते हैं कि दिस एंगल विल बी स्मॉल, तो लिखा जा सकता है कि दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अप्रोक्सीमेटली थीटा, एंड थीटा इज x बाय l, ठीक है। अब आते हैं इस पॉइंट पर, तो गाइस देखा जा सकता है कि यहां पर हमने एक ब्लॉक लगा दिया है mg मास का, तो इस पॉइंट पर इस तरह से लगा है टेंशन t, एंड यहां पर भी लगा है टेंशन t, तो टेंशन के वर्टिकल कंपोनेंट इसको बैलेंस आउट कर रहे होंगे, तो ये एंगल अगर थीटा है तो मैं लिख सकता हूं कि दिस एंगल इज थीटा एज वेल, एंड दिस एंगल इज थीटा एज वेल, तो इसका मतलब टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा, टी साइन थीटा, एंड दूसरा टेंशन दैट इज अगेन टी साइन थीटा, तो यानी कि टी साइन थीटा दूसरा वाला इज इक्वल्स टू एम जी, दूसरी वायर के लिए लिखा हुआ, तो ये बन जाएगा 2t साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। नाउ 2t अगेन थीटा इज स्मॉल, तो दिस कैन बी रिटन एज थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, एंड टी एंड थीटा की वैल्यू एक्स बाय एल इज एम जी, तो टी इज कमिंग आउट टू बी एम जी एल अपॉन 2x, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू बन चुकी है। नाउ अगर अब बात की जाए यहां पर, तो देखा जा सकता है कि ये जो हाफ लेंथ था वो इलोंगेट होके यहां पहुंच चुका है, तो इसकी जो L फाइनल लिखा जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, एंड अगर इसे फर्दर सॉल्व करें तो L अगर कॉमन लिया तो L बाहर आ चुका है 1 प्लस X स्क्वायर बाय L स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज L 1 प्लस X स्क्वायर बाय L स्क्वायर पावर 1 बाय 2। नाउ अगली स्टेप क्या होने वाली है, गाइस हम जानते हैं कि x की वैल्यू इज मच मच लेस देन l, दैट्स वाई x बाय l इज वेरी मच लेस देन 1, तो हम जानते हैं कि 1 प्लस x पावर n कैन बी रिटन एज 1 प्लस n x अंडर दिस कंडीशन, किस कंडीशन में, कि x की वैल्यू मच मच लेस देन 1 होने वाली है, तो यहां देख सकते हैं ये जो वैल्यू है दिस इज वेरी मच लेस देन 1, दैट इज वाई यहां अप्रोक्सीमेटली लिखा सकता है l 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर,
एंड दिस इज वॉट एल फाइनल. तो देख सकते हैं एल फाइनल माइनस एल इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स स्क्वायर बाय एल. तो एल फाइनल माइनस एल अगर अब मैं लिखना चाहता हूं स्ट्रेन की वैल्यू, तो स्ट्रेन इज डेल्टा एल अपॉन इनिशियल लेंथ एंड दैट इज डेल्टा एल की वैल्यू देखो कितना बन चुका है, दिस इज डेल्टा एल एंड दैट इज 1/2 एक्स स्क्वायर बाय एल. ठीक है, दिस इज डेल्टा एल अपॉन एल. तो दिस इज स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इज फाइनली 1/2 एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर. नाउ यंग्स मॉडुलस हम लिख सकते हैं यहां पर यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एंड दैट वैल्यू कैन बी रिटन एज स्ट्रेस लिखा जाएगा दैट इज टेंशन अपॉन एरिया और एरिया होगा पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन दैट इज 1/2 एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर. दिस इज वॉट यंग्स मॉडुलस. तो देखा जा सकता है टेंशन की वैल्यू फाइनली ई इज इक्वल्स टू टेंशन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं दिस इज एम जी एल अपॉन 2x डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4 अपॉन 1/2 एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर. तो इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है ई इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एल 2x पाई डी स्क्वायर बाय 4. ओके, तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट एंड कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो 4 को इधर करेंगे तो x पावर 3 इज इक्वल्स टू 4 एम जी एल और यहां से l इधर गया तो l क्यूब. तो हमने एम जी एल एंड दिस ये क्लब हो चुका है, नीचे x था और यहां x स्क्वायर तो ये क्लब होके x क्यूब बन चुका है डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस e बना है यहां पर एंड पाई डी स्क्वायर. तो पाई डी स्क्वायर तो फाइनली हमारे पास x क्यूब की वैल्यू बन चुकी है, इट मींस x के वैल्यू भी आ चुके हैं एंड दिस इज गाइज योर फाइनल आंसर. तो थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ी सी कैलकुलेशंस थी, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अगर जिसमें किसी में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ एक बार उसे रिपीट ज़रूर करें, एक बार उससे मेहनत ज़रूर करें सच दैट कि आप अपनी तरफ से 100% श्योर हो जाएं कि अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रही. और जब आपने अपनी मेहनत कंप्लीट कर ली है तो यू कैन डेफिनेटली से कि हाँ ये यहाँ पर कोई दिक्कत थी और मैंने उसे कंप्लीट करने की कोशिश करी और डाउट रह गया है. तो कंप्लीट अगर ये करेंगे तो होपफुली आपके 95% जो डाउट हैं वो खुद से ही ख़त्म हो जाएंगे. और ये वीडियो आपके पास कंटिन्यूसली है, आप इसे रिपीट करें, आप इसको दोबारा देखें तो होपफुली सारे के सारे डाउट यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे. तो बच्चे सिंपल सी बात है, इसमें हमने देखा है इस वीडियो में एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया. एक तो यंग्स मॉडुलस, साथ ही साथ देखा हमने पॉइजन्स रेशो. इस वीडियो में हमने देखा है पॉइजन्स रेशो का एप्लीकेशन. दूसरा देखा है एक बहुत ही बेहतरीन सवाल बेस्ड ऑन यंग्स मॉडुलस एप्लीकेशन. ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा, मुझे काफ़ी मज़ा आया इसको बनाने में, होपफुली आपको भी उतना ही मज़ा आ रहा है सीखने में. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर.